कोरोना फिर पंजे गाड़ने लगा। 24 घंटे में मजीद 1649 केसेज रिपोर्ट। मोहल्ले वायरस कोरोना से मजीद 3 अफराद जांबा। जांबा का अफराद की तादाद 28,972। मुस्बत केसेज की शरह 3.66% रिकॉर्ड। पंजाब में ओमिक्रॉन के डेरे। 24 घंटों में 24 केसेस रिपोर्ट। 20 केसेस सिर्फ लाहौर से रिपोर्ट हुए। ओमिक्रॉन के 3 केस साहिवाल से, 1 ओकाड़ा से रिपोर्ट। लाहौर में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 306 तक पहुंच गई। तेजी से इस वक्त वबा के अंदर इजाफा हो रहा है, इसलिए जो बिल्कुल बुनियादी एहतियाती तदाबीर हैं, मैं एक दफ़ा फिर इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए लोगों से कहूँगा कि उनको ज़रूर फॉलो करें, मास्क ज़रूर पहने। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाई भी तो फौरी तौर पे वैक्सीनेशन करवाएं। अगर एक डोज लगवाई थी और उसको 4 हफ्ते गुजर गए हैं तो दूसरी डोज के लिए ज़रूर फौरी तौर के ऊपर जाएँ। और अगर आपकी 30 साल से ज़्यादा उम्र है और आपकी दूसरी डोज लगे हुए आपको, या आप सिंगल डोज वैक्सीन आपको लगी थी और आपको 6 माह से ज्यादा का अरसा हो गया, तो बूस्टर डोज जो है वो फौरी तौर पर जरूर लगाएं। एनसीओसी ने वो काम कर दिखाया जिसका लोग सोच भी नहीं सकते थे। सरबरा एनसीओसी असद उमर का तकरीब से खता। बोले, फखर है एनसीओसी के साथ काम का मौका मिला। काम करने वाली टीम जबरदस्त है। कोरोना से बचाव के लिए पूरी कौम ने मिलकर काम किया। आवाम कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन जरूर कराएं। 30 साल से ज्यादा उम्र के अफराद बूस्टर डोज लास्ट में लगवाएं। खुदा न खासा डाइवोर्स होके खातून जो है अपने बच्चों की कफालत कर रही है तो उसको ये कार्ड मिलेगा। ट्रांसजेंडर्स को मिल रहा है। और जो अच्छी खबर है वो ये है कि थैलेसीमिया का मुकम्मल इलाज भी इन कार्डों में शामिल है, ताकि जिनके खानदान में बच्चों को थैलेसीमिया है उनको किसी मसले का सामना न करना पड़े। आपको ऐप दिखाई थी कि हमने ये ऐप शुरू की है। आप यकीन जानिए कि लोगों ने जिस तरह वो ऐप पे काम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस वक्त 10 लाख से ज्यादा उसके ऊपर एंट्रीज हो चुकी हैं। सेहत कार्ड पंजाब के तमाम खानदानों को मिलेगा। देवा और मुतलका औरत भी सेहत कार्ड से महरूम नहीं होगी। ख्वाजा सरा भी सेहत कार्ड से मुस्तफीद होंगी। रियासत मदीना गरीबों का सोचती है अशराफिया के नहीं। कोरोना की वबा बढ़ रही है, आवाम से अपील है एहतियात करें, मास्क का इस्तेमाल जरूरी है, वैक्सीनेशन करना इंतहाई लाजमी है। सूबाई वजीर सेहत यासमीन राशिद की मीडिया से गुफ्तगू। कौमी असम्बली में कामे कमेटी बराए खजाना का इजलास। वजीर खजाना शौकत तरीन की कमेटी को स्टेट बैंक तरमीमी बिल पर ब्रीफिंग। बोले, स्टेट बैंक पर हुकूमत का कंट्रोल, स्टेट बैंक महंगाई कंट्रोल करने का मुकम्मल जिम्मेदार नहीं होगा। हुकूमत स्टेट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को नामजद करेगी। तरमीमी बिल से गवर्नर स्टेट बैंक को बहुत ज्यादा बाख्तियार बनाया गया। स्टेट बैंक महंगाई पर काबू पाने के लिए हुकूमत की मदद करेगा। IMF ने मीटिंग ली शेड्यूल करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम कदवी। फाइनेंस डिवीजन ने IMF से मीटिंग ली शेड्यूल करने की दरख्वास्त की थी। इजलास को छठे जायजे की मंजूरी के लिए जनवरी के आखिर में रखा जाएगा। IMF बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इजलास 12 जनवरी को होना था। फाइनेंस तरमीमी बिल कौमी असम्बली और सैनेट में जेर बहस है। अपोजिशन के दो बड़ों की आज अहम बैठक। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में मुलाकात। पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत के खिलाफ हिकमत अमली पर तबादला खराब किया गया। मिनी बजट पर हुकूमत को टफ टाइम देने का मिशन। मुतहदा अपोजिशन का इजलास आज होगा। शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, बिलावल भुट्टो दीगर कायदीन इजलास में शरीक होंगे। फाइनेंस बिल, फॉरन फंडिंग केस समेत दीगर अमूर पर मुशावरत होगी। मनी बजट की मंजूरी रोकने के लिए हिकमत अमली पर गौर होगा। कराची वालों का तवील इंतजार खत्म। ग्रीन लाइन बस मनसूबा मुकम्मल, ऑपरेशन हो गया। 21 किलोमीटर तवील ट्रैक पर 8 बसें चलाई जाएंगी।
किराया 15 से 55 रुपए रखा गया। टिकट के रिचार्जेबल कार्ड भी दस्तियाब। 18 मीटर लंबी बसों में 40 नशिस्तें मौजूद। बैक बस 150 अफराद सफर कर सकेंगे। हर बस में 2 व्हील चेयर की जगह भी मखसूस। एहतसाब अदालत लाहौर मनी लॉन्ड्रिंग और रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस हमजा शहबाज एहतसाब अदालत में पेश। शहबाज शिफ की हाजिरी से सस्ना की दरख्वास्त मंजूर। हमजा शहबाज के वकील को भी दलाल की मोहलत मिल गई। समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी। आगरा ताज लियारे में 96 स्क्वायर यार्ड पर 7 मंजिला पोर्शन बनाने का केस। सिंध हाईकोर्ट ने एसबीसीए को फौरी पोर्शन गिराने का हुक्म दे दिया। डीजीएसबीसीए 7 रोज पे रिपोर्ट के साथ जाती हैसियत में तलब। अदालत ने पोर्शन के लिए बिजली पानी गैस कनेक्शन देने से रोक दिया। अदालत ने बिल्डर्स को भी नोटिस जारी कर दिए। लाहौर आज भी फजाई आलूदगी के घेरे में। लाहौर आलूदा शहरों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 174 रिकॉर्ड। आंखों और सांस की बीमारियां आम। एहतियात करें, मास्क पहने, माहरीन का मशवरा। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, कहीं गैस गायब तो कहीं प्रेशर कम। खवातीन खाना पकाने से भी रह गए। लकड़ियां और एलपीजी महंगी। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। खाना भी होटल से मंगवाने पर मजबूर। सहाने हमरी पर तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील। 7 दिन में रिपोर्ट देने की पाबंद। जामबाग अफराद के विरसा को फीकत 8-8 लाख रुपए देने की मंजूरी। मरी को जिला का दर्जा देने का फैसला। आइंदा गुंडाई से ज्यादा ट्रैफिक को दाखिल होने से रोकने का भी ऐलान। इस्लामाबाद से मरी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी में वसी 2 घंटे की तौसी। पाबंदी में तौसी 10 जनवरी रात 9 बजे तक की गई। 17 मील और सरीना चौक में पुलिस के चेक पॉइंट भी कायम। एम्बुलेंसेज, फायर ब्रिगेड और सिक्योरिटी गाड़ियों को इस्तेमाल हासिल होगा। जिले इंतजामिया की जान से नोटिफिकेशन जारी। शेख रशीद की सानह मरी में जांबाग के एक खानदान के 6 अफराद के घर आमद। वजीर दाखिला की जांबाग अफराद के अहले खाना से ताजियत। वाकई अफसोसनाक है, दुख की इस घड़ी में आपके साथ हूँ। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद। FIA कारपोरेट क्राइम सर्कल कराची की कार्रवाई। ऑनलाइन बिजनेस के नाम पर लोगों से फ्रॉड करने वाले 2 मफरूर मुल्जमान गिरफ्तार। मुल्जमान का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल। मजीद तफ्तीश जारी। सियालकोट में मोहम्मद खातून पर तशद्दुद केस में अहम पेशरफ। तशद्दुद में मुलव्वस 4 मजीद मुल्जमान गिरफ्तार। खातून पर डंडे बरसाने वाला और पथराव करने वाला मुलजिम भी पुलिस के शिकंजे में। FIR में नामजद मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। मुलजमान को गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। बड़े शहरों में बड़ा ट्रैफिक जैम। इस्लामाबाद के एक्सप्रेसवे पर शदीद ट्रैफिक जैम। ट्रैफिक का निजाम संभालने वाले गायब। शाहदरा से लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। एम्बुलेंस भी फंस गई। शहरों को शदीद मुश्किलात का सामना। ANF इंटेलिजेंस और ANF पिशावर की मुश्तरका कार्रवाई। तुरखम बॉर्डर पर ट्रक से 200 किलो से ज्यादा मंशियात बरामद। मुल्जमान मौके पर गिरफ्तार। मंशियात अफगानिस्तान से पाकिस्तान स्मगल की जा रही थी। यूरोप को पढ़े लिखे हुनरमंद अफराद की जरूरत। पाकिस्तान रोमानिया की जरूरत को मद्देनजर रखकर अफराती कुवत फराहम करेगा। बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी खुद को मुल्क का सफीर समझे। रोमानिया के वजीर खारजा कल दौरे पाकिस्तान की दावत देंगे।
पाकिस्तानी बरादरी के लिए मजीद आसानियां पैदा करने के लिए बात करूंगा, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का रोमानिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। न्यूयॉर्क के अपार्टमेंट में खौफनाक आतिशबाजी, 9 बच्चों समेत 19 अफराद जान की बाज़ में हार गए, 60 से ज्यादा जख्मी, मुतअद्दिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक, 200 फायर ब्रिगेड ने इमदादी कामों में हिस्सा लिया होगा। कोरोना डेल्टा ओमिक्रोन के बाद डेल्टा क्रोन की एंट्री, कब्रस में कोरोना की नई किस्म सामने आ गई, नाम डेल्टा क्रोन रख दिया गया, कब्रस के नए डेल्टा क्रोन से 25 अफराद मुतासर, नई किस्म में ओमिक्रोन और डेल्टा का मिलाप, डेल्टा क्रोन में ओमिक्रोन जैसी जुनियाती अलामत मौजूद, डेल्टा क्रोन कितना नुकसानदेह कुछ कहना कबल इस वक्त है, माहरीन और मुहक्कीकीन की राय। और रूस में बर्फ के बने मुजस्मे नुमाइश के लिए पेश, खूबसूरत मुजस्मों को देखने सयाह उमड़ आए, बर्फ से बने मुजस्मे देखकर सयाह हैरान परेशान रह गए, सेल्फी और तस्वीर बनाकर यादों को महफूज कर लिया, सयाहों ने मुजस्मा साजों के आर्ट को खूब सराहा।